बिहार में फिर शुरू हुआ 6 नई ट्रेनों का संचालन और इस वीडियो में हम जानेंगे इस बार छपरा, दिल्ली और अमृतसर के लिए जो ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है इनमें क्या रहेगा, इसका समय सारणी और अन्य डिटेल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आगे भी आपको इस तरह का न्यूज अपडेट मिलता रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन के रास्ते दिल्ली व अमृतसर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने की घोषणा रेलवे प्रशासन ने की है, इसकी जानकारी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने दी है। इस दौरान बताया गया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 04092 और 04091 नई दिल्ली जयनगर नई दिल्ली द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, इसके अलावे दूसरी ट्रेन दिल्ली मुजफ्फरपुर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन जो कि ट्रेन संख्या 04030 के साथ चलेगी, इसके अलावे अमृतसर सहरसा वीकली एक्सप्रेस पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन इस दौरान देखने को मिलेगा। ट्रेन संख्या 84412 दिल्ली सहरसा दिल्ली द्वि साप्ताहिक सुविधा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन 20 अक्टूबर से 2 दिसंबर के मध्य किया जाना है। इनमें सभी कोच रिजर्वेशन वाले होंगे और इसके लिए बुकिंग जल्द चालू की जाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 04092 नई दिल्ली जयनगर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और यह ट्रेन 28 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नई दिल्ली से 9:20 पर प्रस्थान करेगी। वापसी यात्रा के दौरान यह ट्रेन जयनगर से नई दिल्ली के बीच 22 अक्टूबर से चलेगी और 29 नवंबर तक इसका परिचालन प्रत्येक रविवार को जयनगर के लिए किया जाना है। इस ट्रेन में जनरेटर कार के सहित स्लीपर श्रेणी के 7 कोच, एसी थर्ड टायर के 4 कोच, एसी फर्स्ट टायर के 2 कोच सहित सेकेंड क्लास एसी और सेकेंड क्लास जनरल कोच की सुविधा भी दी गई है। वहीं दिल्ली मुजफ्फरपुर द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 21 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को दिल्ली से 1:45 पर प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा जो कि कोविड से बचने को रेलवे ने आदेश जारी किया था और इस दौरान चेहरे पर फेस मास्क और अन्य नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो ये था आज का अपडेट, नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।